हाय गाइस, वेलकम टू एग्जाम हंटर। सो दोस्तों, 64th बीपीएससी का मैंने इंग्लिश मीडियम में GS1, GS2 और ऑप्शनल का RTI कॉपी डाल दिया है। अब आ गया हिंदी मीडियम में, ठीक है। तो ये कॉपी हिंदी मीडियम का है, इसमें देखो कि मार्किंग कैसा होता है उसको बताएंगे। और ये जनरली PSIR का है, इसके बाद GS1, GS2 का भी आएगा। तो जो भी ऑप्शनल है वो लोग देख ले कि कैसे मार्किंग होता है, क्योंकि सब ऑप्शनल में तो एक ही जैसा लिखना होगा, ठीक है। उसके पहले दो चीज़ बताना चाहता हूँ। एक कि जो 67th का जो PT होने वाला है उसका फ्री टेस्ट हो रहा है। इसमें हम लोग जितने भी इंस्टीट्यूट का टेस्ट सीरीज है, साथ में ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक बिहार स्पेशल सारे को करा रहे हैं। उसके लिए आपको क्या करना होगा कि जस्ट जो लिंक डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया होगा उसको ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। वहाँ पर आपको टेस्ट होगा, कल तीसरा टेस्ट है। सेकेंड बताना ये चाह रहा हूँ कि इस पर ऑलरेडी मेंस का भी टेस्ट सीरीज चल रहा है। जो मेंस का टेस्ट सीरीज में क्या है कि सारे टॉपिक का टेस्ट होता है और वैसे करके सिलेबस कंप्लीट कराया जाता है, तो सारे आपके टेलीग्राम पर इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। तो हम लोग बात करते हैं PSIR का, 64th बीपीएससी का, ठीक है। तब देखो इनको नंबर कितना मिला है। हिंदी माध्यम से है और PSIR में नंबर उठाना हिंदी माध्यम और इंग्लिश माध्यम, डेट इज़ वेरी डिफिकल्ट। अगर इसमें नंबर मिल गया है तो आपको मानो कि अगर आप इस तरह से लिखोगे आपका कोई भी ऑप्शन हो यू विल गेट गुड मार्क्स, ठीक है ना। 30 मिला है, 6 क्वेश्चन करने होते हैं ऑप्शनल में। 28 मिला है, 28 मिला है, 29 मिला है, फिर 30 और फिर 30, ठीक है। और इनको मार्क्स मिला है टोटल 175, डेट इज़ वेरी गुड मार्क्स, ठीक है। और एक और बात बता दूँ, उसके लिए मैं माफ़ी भी चाहता हूँ कि ये जो सामने आपको जो PDF दिख रहा है ना वो रैंडम होगा, रैंडम पेज में होगा, जैसे एक दो सीरियल वाइज पेज नहीं होगा, क्योंकि मुझे PDF ऐसा ही मिला है इसलिए आपको ऐसा हम प्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो अब एक क्वेश्चन था जो अगर आप PSIR का देखोगे तो इंडिया और चाइना पर क्वेश्चन था, ठीक है। उन पर इन्होंने लिखा है छोटे छोटे पॉइंट में, मतलब पैराग्राफ में ही लिखा है, छोटे छोटे पॉइंट करके इन्होंने इसके बारे में बताया, ठीक है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि जितने भी करंट इश्यूज हैं, जैसे SCO हो गया, जिसमें एक क्वेश्चन में था कि इंडिया चाइना का रिश्ता कैसे, मतलब क्या क्या प्रॉब्लम है उसको कैसे सुलझा सकते हैं, आगे क्या इनिशिएटिव लेंगे, तो उस समय ये सब SCO ये सब के बारे में उन्होंने बताया है। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात की जो इंपॉर्टेंट है ना उसको इन्हें अंडरलाइन भी किया, ठीक है। अब एक क्वेश्चन था कि कौटिल्य पर क्वेश्चन था, उसके स्टेट क्राफ्ट के बारे में भी क्वेश्चन था, ठीक है, तो उसके बारे में भी क्वेश्चन है। फिर एक क्वेश्चन पूछा गया था जुडिशियरी पर, ठीक है। ये सब जो देख रहे हैं ना वो चाइना का क्वेश्चन है जो इन्होंने लिखा है असेसे। अब एक और क्वेश्चन था जिन्होंने इन्होंने अटेम्प्ट किया, मैं बता दूं कि ये रैंडम नहीं है, इसीलिए जो जो पेज दिख रहा है मुझे याद आ रहा वही बता रहा हूँ। एक क्वेश्चन था कोल्ड वार जो था, जो शीत युद्ध था उस पर एक था, ठीक है, तो उस पर इन्होंने लिखा है, डिटेल में बताया है उन्होंने। देखो यहां पर मोती का माला, ये आ गया चाइना वाला आ गया, BRI चाइना वाला आंसर आ गया जो क्वेश्चन था, डोकलम वाला क्राइसिस जो डोकलम हुआ था ये भी चाइना वाला था, ठीक है ना। तो इससे हमको सीखने को क्या मिला है कि इन्होंने हमेशा ऑप्शनल को ध्यान रखना, ऑप्शनल को पॉइंट जीएस की तरह ऑप्शनल को मत ना लिखे, इसको थोड़ा पैराग्राफ में लिखें। और हो सकता है कि आप इतना का पैराग्राफ बना के पॉइंट, मतलब इतने का पैराग्राफ करके फिर नेक्स्ट पैराग्राफ स्टार्ट करके लिखें, ठीक है। एक क्वेश्चन था कि न्यायपालिका पर, जुडिशियरी पर, मतलब क्या है कि जो जुडिशियल एक्टिविज्म था उसके बारे में था, ठीक है ना, कि बताना है कि जुडिशियल एक्टिविज्म जो था, जुडिशियल रिव्यू जो था वो उसका क्रिटिकली एनालाइज करना है, दोनों पक्ष को बताना है, ठीक है। इनके बारे में इन्होंने लिखा है, सबसे पहले न्यायालिका के बारे में बताया है कि स्टेट में क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट होता है, राज्य में हाई कोर्ट है। ये सिंपल सा है, मतलब मान के चलो कि इनका लग रहा है कि जस्ट लाइक, मतलब सिंपल लिखे हैं, सिंपल और सीधा लिखे हैं और ये अच्छे नंबर पा लिए हैं। और एक क्वेश्चन था इस पर अगर देखोगे तो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट पर था, नेम पर भी था, ठीक है ना। नेम पर एक क्वेश्चन आया था कि नेम का रेलिवेंस क्या होता है,
नेम का रेलिवेंस क्या होता है, उस पर इन्होंने उसके बारे में भी लिखा है। तो दिक्कत इस ये हो रही है कि ये पेज जो है ना वो रैंडम है, इसीलिए अलग अलग पेज कभी कभी आ रहा है, कभी क्वेश्चन का कभी कभी कोई क्वेश्चन का कोई पेज आ रहा है। जैसे देखो अब नेम का उद्देश्य देखो रेलिवेंस पूछा है, लेकिन हमको 6 पेज में भरना है, 6 पेज में लिखना है, तो हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले इन्होंने उद्देश्य लिखा है चार्ट बना के, ठीक है। उसके बाद देखो उसके बाद फिर एक पेज आ गया चाइना वाला, जो चाइना हमने बताया था ना कि इंडिया चाइना का क्या इशू है, और उसमें क्वेश्चन था कि कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है, क्या क्या प्रॉब्लम है। उसमें इनको मिला है 30 नंबर, बहुत ही अच्छे मार्क्स मिला है उसको। क्या मिला इनको? 30 नंबर मिला। नेक्स्ट नेक्स्ट देखिए आप इसमें जो फिर चाइना वाला आ गया, उदारवाद व्यक्तिवाद परिवर्तन NIUF, हाँ एक क्वेश्चन था नॉर्थ साउथ वाला, नॉर्थ साउथ वाला क्वेश्चन था, उसमें इनको मिला है, इनको 30 नंबर मिला है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन था राजा राम मोहन रॉय के बारे में क्वेश्चन था, उनको उनके बारे में लिखना था, तो उनके बारे में इन्होंने लिखा है। अब उनके बारे में बताया है कि राजा राम मोहन रॉय क्या बोलते हैं कि फादर ऑफ इंडियन रेनेसा बोलते हैं, क्योंकि उनको भारत को मॉडर्न करने में बहुत ही बड़ा रोल था, ठीक है। अब यहाँ पर एक कमी है जिसमें इसमें कमियां भी बताए हैं, ये सब क्वेश्चन चाइना वाला आ गया फिर से, मुनरो सिद्धांत, ये क्वेश्चन आ गया कोल्ड वार वाला, ठीक है, कोल्ड वॉर वाला एक क्वेश्चन आया। तनाव के मुद्दे, अब देखो अब यहाँ पर सबसे बढ़िया बात क्या है कि चार्ट्स बना के इन्होंने बनाया है कि जो तनाव के मुद्दे क्या क्या है, जो इंडिया और चाइना में क्या क्या जो डिस्प्यूट है उनके बारे में इन्होंने बताया। दलाई लामा प्रश्न हो गया, अरुणाचल प्रदेश वाला रीजन हो गया, ठीक है ना, CPEC वाला हो गया, ग्वादर कोर्ट से जो कनेक्ट हो रहा हो गया, पाकिस्तान वाला जो हो गया, सीमा विवाद हो गया, पाकिस्तान को जो सपोर्ट कर रहा है वो वाला हो गया, ठीक है। और फिर यहाँ पर राजा राम मोहन रॉय का काम के बारे में बताया। तब ऐसे करके क्या हो सकता है ना कि आप ऐसे करके चार्ट बना सकते हैं और उसके बाद भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, तो नंबर उसमें भी मिल जाएगा इसमें, ठीक है। आधुनिक शिक्षा पर राजा राम मोहन रॉय का क्या रोल था, जो वेस्टर्न एजुकेशन को क्यों वो चाहते थे उसके बारे में बताया है। और इसमें इनको मिला है 30 नंबर। एक क्वेश्चन था लिबरलिज्म पर था, मोतियों का माला, ये सब चाइना वाला आ गया फिर से, महिला कल्याण, राजा राम मोहन रॉय का आया कि ब्रह्मो समाज का स्थापना किए थे, इसको लिखा गया है, ठीक है। प्रेस की स्वतंत्रता के बारे में बात किया गया था। अब यहां पर क्यूबन क्राइसिस के बारे में, क्यूबन संकट के बारे में आ गया था, मतलब ये पेज आ गया आपका शीत युद्ध जो हुआ था जिसको कोल्ड वार बोलते हैं उसके बारे में आया था, ये पेज इनका है यहाँ पर। अब देखो अब एक क्वेश्चन था लिबरलिज्म पर, उदारवाद जिसको लिबरलिज्म पर क्वेश्चन था उसके बारे में इन्होंने लिखा है। अंधकार का युग, अब इन्होंने क्या बताया है कि इस क्वेश्चन को इन्होंने बताया अंधकार का युग, मतलब क्या है कि जो लिबरलिज्म के आने से पहले जो सिस्टम था उसको बताया है, फिर उन्होंने लिबरलिज्म पर आए हैं, फिर आगे चल के इनको क्रिटिसाइज किया क्योंकि इसके फीचर्स को क्रिटिकली एनालाइज करना था, ठीक है। अब ये पेज आ गया जुडिशियरी वाला, देखो जुडिशियरी में क्या है, इन्होंने डीडी बासु को भी कोट किया है, रजनी कोठारी को भी कोट किया है, PIL के लाभ भी बताए हैं ये लोग, मतलब क्वेश्चन था, क्वेश्चन जुडिशियल रिव्यू पर था, तो इन्होंने PIL वेल डाल के सबके बारे में एक्सप्लेन किया है, ठीक है। तो ये क्या है कि जिस इनको कितना आया है कि इनको आया है 175 नंबर आया है PSIN में। और इस कॉपी में प्रॉब्लम इसलिए हुई है कि इनका जो पेज जो हमें मिला है वो रैंडम था, मतलब
1, 2, 3 करके जो नहीं था, जो ऑलरेडी पहले हम लोग देख चुके हैं, तो कोई बात नहीं। इससे हमें क्या सीख मिला कि कोई भी ऑप्शनल हो उसको आप पैरा में लिखें, पैराग्राफ में लिखें, क्वेश्चन का जो डिमांड है वो लिखें, ठीक है ना। यू कैन ड्रॉ पैरा चार्ट्स आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, उसको बना सकते हैं, लेकिन ज़्यादा फोकस करें क्वेश्चन का जो डिमांड है उस पर फोकस करें, ठीक है। तो नंबर आसानी से आपको मिल सकता है, ग्रैब कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, GS1 और GS2 का हिंदी माध्यम में अपलोड करेंगे और उसमें ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। तो किसी ने मुझे मैसेज करके बोला था कि सर हिंदी मीडियम वाले को है ना नंबर मिलता नहीं है, तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपके कंटेंट में दम है तो हिंदी मीडियम वाले को भी नंबर मिलेगा। आपका आपका एग्जाम्पल यहाँ पर सामने है, ठीक है ना, 175 नंबर PSIR में, 61वां 63वां BPSC में PSIR में 161 गया था, यहाँ पर 175 नंबर मिला है, दैट इज़ वेरी गुड मार्क्स। तो आई होप इससे कुछ सीखे होंगे, कैसे लिखना है देख कर थोड़ा बहुत आइडिया लगा होगा। इसके बाद भी हम फिर GS1 GS2 के लेके आएंगे हिंदी माध्यम से, वो ज़्यादा बेनिफिट होगा क्योंकि इसमें रैंडम पेज नहीं है, उसमें रैंडम पेज है, ठीक है। तो आई होप ये आपको अच्छा लगा, चैनल को देखने के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ।